नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एम के एस महेशनी। दोस्तों हम संस्कृत की नोट्स की पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि जो 15 नंबर की सुभाष से साहित्यम के 10 चैप्टर हैं वो कहाँ से स्टडी करें, क्योंकि आप नोट्स बना लोगे, संस्कृत के ग्रामर्स के बढ़ा लोगे, आपको सुश्रुत संहिता के मिल जाएंगे, लेकिन सुभाष से साहित्यम की आप बुक खरीदे नहीं तो उसके नोट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सुभाष संहिता की बुक खरीदे भी तो कौन से चैप्टर हैं, किस तरीके से स्टडी करना, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उन सभी के सवालों को जवाब देने के लिए मैंने रास्ता निकाला कि मैं पहले सबसे पहले आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊं 10 चैप्टर तक की, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर वाइज मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा आपको, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ तक की, ठीक है। उसके बाद में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं लेक्चर्स वीडियो बनाऊंगा उन पर एक एक, तो लेक्चर्स वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसी पीडीएफ का इस्तेमाल करूंगा, तो इसलिए पीडीएफ होना जरूरी है और आपका प्रिंट आउट होना जरूरी है। तो प्रथम अध्याय है, ओके, अथा तो वैदिक शास्त्रीय विज्ञानी अध्याय व्याख्या श्याम इति ये स्महु निमिष प्रत्यय हिता हितम सुखम दुखम आयु इतस्य हिता हितम मानव चेतच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उचित है, आयुर्वेद की परिभाषा है, ठीक है। तो देखो वही हैं जो कहीं ना कहीं आप स्टडी किए हुए हैं, इसका हिंदी अनुवाद याद करना है। अब आपको क्या करना है कि छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, ठीक है। आप अगर एक दिन में डाउनलोड करोगे और एक दिन दूसरे दिन स्टडी करोगे ना, ठीक है, तो आराम से आपको पहले तो कोटेशन पढ़ना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद पढ़ना है। आप इसका जो व्यक्तव दे रहा है इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, फर्स्ट बार जब भी स्टडी कीजिए तो इसको ध्यान में मत दीजिए, आगे बढ़िए सीधा। और इसका जो हिंदी अनुवाद है स्पाइन ऑफ लाइफ, इस तरीके से अलग अलग जगह जगह मिलेंगे आपको हिंदी अलग अलग पॉइंटों पर, वो आपको स्टडी करना है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है दूसरा कोटेशन, इस तरीके से आपको हिंदी पढ़नी है, व्यक्तव्य को छोड़िए, जो आपको अच्छा लगे व्यक्तव्य पढ़ना चाहिए वो देखिए आपको, मतलब आपको हिंदी हिंदी स्टडी करनी है। जैसे हिंदी में बुक पढ़ते हैं ना आपको, तो समझ लीजिए कि 5-5 पेज के 10 चैप्टर पढ़ने हैं हिंदी में आपको। बस सद्य फलती गांधव, जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि तत्काल फल कौन देता है, सद्य फलती गांधव, गायन तत्काल, पुराण एक मास में, वेद दीर्घकाल में फलप्रद होते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझने हैं। हिंदी में पढ़ने के बाद में, हिंदी में स्टडी करने के बाद में किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं दो दो नंबर के, वो आपको याद रखने हैं। अगर आपके कोटेशन का हिंदी अनुवाद ट्राई करना कोशिश की हो जाए, क्योंकि व्याख्या आ जाती है कभी कभी, 5 नंबर में एक कोटेशन देके उसकी व्याख्या पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा 5 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, और कोटेशन कितने टोटल 6, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से इजी चैप्टर आप एक दिन में भी आप इसमें क्लियर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब की पीडीएफ इसी चैनल में मिलेगी और आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।